टाइटैनिक को डूबे हुए 111 साल हो गए। जब टाइटैनिक बना तब कहा गया ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन सालों पहले ये एक आइसबर्ग से टकराया, डूब गया। कई लोग ये सोचते हैं कि इतने सालों बाद भी टाइटैनिक को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइटैनिक अब तक बाहर क्यों नहीं आ पाया। 10 अप्रैल 1912 को ये वो वक्त था जब एक बेहद खूबसूरत, बहुत सारी सुविधाओं से लैस लग्जरी रॉयल जहाज एक यात्रा पर निकला, ठीक 5 दिन बाद डूब गया। पूरी धरती पर 71% पानी है, 29% भाग स्थल है। समंदर वाला भाग इतना बड़ा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। डूबने के लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में टाइटैनिक को ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज को समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका है। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलर्ड ने अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल गए। फिर उन्हें पता चला आखिरकार टाइटैनिक कहां और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद उसके कई रहस्यों के बारे में पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समंदर के 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस के रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर की गहराई में समाया ये दो हिस्सों में टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, जहाज में आग लगने के कारण ये डूबा। खोजकर्ताओं को जब जहाज का ये मलबा मिला तो उन्होंने देखा कि जहाज में मौजूद कई चीजें वैसी की वैसी हैं। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि उसे बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और ये समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समंदर की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उसी तरीके से बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन टाइटैनिक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद बाहर निकालने की कोशिश हो, पर इन कामों में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन है 46,000 टन, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, वहां चारों तरफ अंधेरा है, समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना फिर वापस लौटना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में यहां से मलबे को निकाल पाना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए जो इतने विशालकाय जहाज को आसानी से ऊपर ला पाए। शुरुआत में वैज्ञानिकों का इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इनमें पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल, जिसके जरिए जहाज को बाहर निकालना सोचा गया। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल को भर देंगे ताकि ये बॉल सारे बॉल ऊपर की तरफ दबाव डालें, फिर ऐसा करके सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींचा जाएगा। लेकिन ये प्लान फ्लॉप रहा, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई, वो थी बड़े बड़े बलून्स को टाइटैनिक में बांध कर उसमें हीलियम गैस भर दें, फिर इससे ऊपर अपने आप जहाज आ जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप रहा, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरना बहुत मुश्किल काम है। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से पानी जो जहाज है वो पानी के ऊपर आ जाएगा। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे का। उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। आइडिया बेशक कमाल का है, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब 500,000 टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समंदर की गहराई तक ले जाना नामुमकिन है। ऐसा करके ये आइडिया भी फ्लॉप। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी जंग को साफ करना चाहिए। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधा जाएगा, सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा इसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहां तक पहुंचाई जानी होगी उनके फटने की संभावना है, इसलिए ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया।
कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान किया, आगे भी ये प्लान बनाया जाएगा, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। भरपाई अगर होती भी है तो इसके लिए 100 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। भले इस जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हों, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए क्यों लगाएगी, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है, ऐसे में उसे बाहर निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा, समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं, ऐसे में टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।